स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फरकाबाद जिले में धान खरीद केंद्र को स्थापित किया गया है, जिससे किसानों द्वारा पैदा की गई धान की फसल की खरीद को भी गेहूं की तरह ही खरीदा जा सकेगा। उसके लिए जिले में जितनी भी नवीन मंडियां हैं उनके धान खरीद की जा रही है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन हर बुधवार को किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी किसानों से जुड़ी हर परेशानी का निस्तारण 3 दिन के अंदर करा देते हैं। किसानों ने जमीन कब्जे से लेकर धान खरीद केंद्रों पर नकद भुगतान पर 2% पैसा काट लिया जाता है। किसानों ने कहा कि जबकि शमशाबाद नवीन मंडी में नकद भुगतान किसानों द्वारा लेने पर कोई पैसा नहीं काटा जाता है। सिरोली बिजली उपखंड पर तैनात जेई पर किसानों ने आरोप लगाया कि वे शराब के नशे में बने रहते हैं, जिस कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको तत्काल हटाया जाए। किसानों ने कहा कि यदि कोई किसान 40 क्विंटल धान लेकर मंडी जाता है तो केवल 34 क्विंटल धान लिया जाता है, बाकी का धान व्यापारी के पास से बेचना पड़ रहा है। कोई किसान नकद पैसा मांगता है तो उसको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों के धन की समस्या पैदा हो गई है। बैठक में मृतक किसान जिनको अभी तक सहायता नहीं दी गई उसका भुगतान कराने को लेकर डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। जी चौपाल, अगर आप 1 महीने पहले लगाते तो आपको मतलब केले को कुछ और दिखाई पड़ता। आप किसानों से साठ गांठ होके उनके मतलब व्यापारियों से माल खरीद के मतलब उनके खाते में पैसा भेजा जाए, 2000 रुपए किसान को दे दिए जाएंगे, बाद बाकी पैसे मतलब सब बंदर बांट हो जाएगा। जी सर, धान बारों का सही हो रहा क्या? और सर, और मौजूद दो मंडी, इसमें दो का मोहम्मदाबाद और कमालगंज की इन्होंने शिकायत की है, तो इन्होंने हमने इनको कहा है कि आप हमें पूरा विवरण उपलब्ध करवा दें और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाकर हम लोग जांच करेंगे।